हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी। तो जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था और उसी में मैं थोड़ा सा जीरा और थोड़ा मेथी डालूँगी। तो जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तब हम इसमें और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौंग, दो से तीन लौंग ली थी, चार पांच काली मिर्च ली थी, दालचीनी का टुकड़ा लिया था और बड़ी वाली जो इलायची होती है वो ली थी। तो खड़े मसाले में मैंने यही डाला था। उसके बाद से अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। तो मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, अदरक लहसुन को कूट करके लेती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो बस मैंने ये डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से हमको फ्राई करना है। और यहाँ पर मैं आज हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चार से पांच लाल मिर्च ली थी, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आपको लाल मिर्ची नहीं डालनी हो तो आप इसकी जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस सब्ज़ी में लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे डाला और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। एंड उसके बाद से हमने यहाँ पर लिए थे प्याज। तो ये जो छोटे छोटे प्याज होते हैं लाल वाले, वो वाले प्याज लिए थे मैंने, और कम से कम पाँच से छः प्याज थे, ये छोटे छोटे थे इसलिए मैंने लिए थे। तो बड़े हों तो आप दो से तीन भी डाल सकते हैं। एंड मैंने वो डाल दिया और उसके बाद से यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल इसमें ऐड किया। और जब भी ऐसे तेल डालें तो आप तुरंत सब्ज़ी में मिक्स ना करें उसको, थोड़ा सा पका लें साइड में करके, ताकि तेल का कच्चापन ना आए। तो मैंने तेज़ फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए उसको गरम कर लिया था अच्छे से, उसके बाद वापस इसमें मिक्स कर दिया। अब प्याज को अच्छी तरह से चला लेंगे और उसके बाद से देखिए इस तरह से चला लेना। और क्योंकि हम ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो प्याज की क्वांटिटी हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं इसमें। तो बस इसको ढक के पका लेंगे। मैंने ढक दिया था इसको और देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से पक गया हमारा। और यहाँ पे मैंने तीन टमाटर लिए थे जो कि मैंने पीस लिए थे। तो यहाँ पे तीन टमाटर लिए थे और पीस के मैं डालूँगी। आपको अगर पीसना नहीं पसंद हो तो आप काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर, लेकिन टमाटर पीस देने से ये होता है ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाती है, थिक बन जाती है। तो बस यहाँ पर अब हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे तीखापन नहीं होता है। तो ये एक चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी इसमें। एंड उसके बाद से बाकी मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। तो इसमें मैं डालती हूँ हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और मेरे पास पनीर का मसाला भी था तो मैं वो भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरा सब्जी मसाला ख़त्म हो गया था इसीलिए मैं पनीर का मसाला ऐड कर दूँगी एक चम्मच। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने डाली थी इसमें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जब आप प्याज फ्राई करते हैं उसी टाइम पे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें, क्योंकि मैंने भी ऐड किया था और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो मैं बोलना भूल गई थी वीडियो में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे प्याज जब आप ऐड करते हैं तभी आप कसूरी मेथी भी ऐड करें। तो बस देख सकते हैं मैंने सारे मसाले डाल दिए इसमें अच्छे से, और उसके बाद से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मसाले हमको बहुत अच्छे से पकाने होते हैं, जितने ही अच्छे मसाले पकते हैं उतनी अच्छी सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छा दिख रहा है। और अब इसको अच्छे से इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से सारे जो प्याज है इसको हम गला लेंगे अच्छे से, क्योंकि प्याज साबुत रहेंगे खड़े खड़े तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, इसीलिए मैं इस तरह से चला के इसको पूरा गला लेती हूँ। और उसके बाद ढक करके इसको पकाएंगे। तो इसको मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखा था ढक करके, बीच बीच में चलाते भी रहें नहीं तो जल जाएगा। तो और उसके बाद से एक चीज़ और, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो है ये साबुत धनिया, इसको गोटा धनिया बोला जाता है। तो मैंने सब्ज़ी में धनिया पाउडर ऐड नहीं किया है तो इसीलिए मैं यहाँ पे साबुत धनिया को रोस्ट करके तब डालूँगी। तो इसको तवे पे मैं रोस्ट कर लूँगी और इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो हमें ऐसे नहीं डालना है, धनिया को अच्छे से रोस्ट करके उसको अच्छे से क्रश करके तब डालना है।
तो उसकी वजह से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखें फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें कैसी लगी आप लोग को मेरी रेसिपी। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको चलाया तो ये बहुत अच्छे से हो गया है, हमारा मसाला पक गया है पूरा। और दूसरी तरफ हमारा जो धनिया था, गोटा धनिया, वो भी रोस्ट हो रहा था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग एक बार जा कर के ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर की हुई है और बहुत ही इजी वे में बनने वाली रेसिपीज है, इसको कोई भी बना सकता है। तो आप लोग एक बार जा कर के ज़रूर देखें। और इधर मैंने धनिए को अच्छे से क्रश कर लिया था क्रशर की हेल्प से, तो आप लोग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बेलन से या ऐसा क्रश करने वाला हो, जो अदरक कूटने वाला होता है उससे भी हो जाता है। तो बस मैंने कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मसाला था वो भी बहुत अच्छे से पक गया है। और इसी में मैं ये जो धनिया क्रश कर कर लिया था मैंने, ये मैं डाल दूँगी। तो क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, बाकी सब डाल दिया मैंने। लगभग एक छोटे चम्मच जितना इतना इसमें मैं ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करते, नहीं तो ज़्यादा धनिया का फ्लेवर आएगा। तो चम्मच से एक छोटे चम्मच जितना बस ऐड किया मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आलू लिए थे मैंने, तो ये दो चार से पांच आलू लिए थे मैंने, और इसको मैं अच्छे से हाथों से ही मैश करके डाल दूँगी। बहुत बारीक नहीं करना है हमको इसे, आप लोग देख सकते हैं थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में ही रखें। और पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम आलू को ऐड करेंगे और उसके बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था इसको। देखिए इससे क्या होता है, आलू भी मसाले में अच्छे से मिल जाते हैं और उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। आलू भी भून जाते हैं हमारे 5 मिनट के लिए। तो बस ढक दिया था मैंने और उसके बाद से अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पानी। तो पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा पतला रखूँगी। तो देखिए इस तरह से, तो बस मैंने पानी ऐड कर दिया था यहाँ पे और गर्म पानी ऐड किया था मैंने, क्योंकि कभी भी पके हुए मसाले में ठंडा पानी ऐड करो तो सब्ज़ी का टेस्ट उससे कम हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये डालती हूँ। और बस पानी डालने के बाद से इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे और उसके बाद से बस तैयार है हमारी सब्ज़ी। और धनिया अगर आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर डालें, हरा धनिया जो होता है मेरे घर में नहीं उतना पसंद किया जाता है इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स यहीं पे नमक भी टेस्ट कर लें, अगर नमक कम ज़्यादा हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए बस इसमें अब हमको बॉईल लेके आना, मुझे मैंने नमक टेस्ट किया था मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया इसमें। और बस 10 मिनट पकाएंगे और फिर तैयार है हमारी सब्ज़ी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।